After completing part 1 of this chapter, now we will start the part 2 of chapter 1 from 9th science, and the name of the chapter is Matter in Our Surrounding. So what we have to learn in part 2 video, so here are the content of the video. So in this video we have to learn state of matter, that how many state of matter are there. Here we will talk about just a physical state of matter, and the three physical states are solid, liquid and gas. In this video we will learn about this three state of matter. So state of matters. Matter existing in a three different state, as we know that the three states are solid, liquid and gas. So here we are starting with the first point, and that one is solids. So here we learn properties of solid. So solid have defined shape and fixed volume. These are the characteristic and property of solids, that they have defined shape, they have fixed volume, they have minimum space in between them. The attraction between the particle is too high, or else you can say too maximum. The movement in between particle is so less, or else you can say minimum. They are least compressible. And the last point is the rate of diffusion is least. So these are the six properties of solids. Now we have to learn this three property. First क्या था कि उनका shape fix होता है. आप कोई भी solid चीजों को देखोगे, उनका shape क्या होगा? Fix होगा. At the same way उसका volume भी क्या होगा? Fix होगा. अब ये solid चीज है, इसीलिए इनके particles के बीच में जगह भी बहुत कम होगी. अब उनके बीच में जगह कम है, इसलिए उनके बीच में attraction बहुत ही ज्यादा है. अब जगह कम है इसलिए ये चीजें ज्यादा मूवमेंट नहीं करती. दे आर टाइटली बॉन्डेड विद ईच अदर. अब ऑलरेडी उनके बीच में जगह नहीं है, वो टाइटली बॉन्डेड है, इसीलिए आप सॉलिड चीजों को कंप्रेस नहीं कर सकते, उन चीजों को प्रेशर देके आप दबा नहीं सकते. एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिस्ट, कि वो चीजें पड़ी पड़ी ऐसे डिफ्यूज नहीं हो जाती, फैल नहीं जाती. जैसे वाटर पड़ा होगा तो वाटर फैल जाता है पड़े पड़े, तो एट द सेम वे सॉलिड चीजें नहीं फैलती. कहीं पे पैन पड़ी होगी तो पैन बैठे बैठे फैल नहीं जाएगी. आपका मोबाइल फोन होगा तो मोबाइल फोन फैल नहीं जाता. देन सो यहाँ पे मैंने एक इमेज देके समझाया है कि ये एक ब्रिक का एग्जाम्पल लिया है. तो ब्रिक का एक इतना टाइनी पार्ट आप देख लोगे, तो यहाँ पे आप देखो कि इसका शेप एंड साइज फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, इनके बीच में बहुत ही कम जगह है और उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए ये सारी चीजें एक दूसरे से टाइटली पैक्ड अप है और ये चीजें मूव नहीं करती है. तो ये थी प्रॉपर्टी सॉलिड्स की. Now we will talk about the properties of liquid. So here is a property of liquid, that liquid have no defined shape but they have defined volume. कि क्या होगा, liquid का shape fix नहीं होता, हम जिस भी container में उसको डालते हैं उसके जैसा shape वो बना लेता है. And but उसके पास शेप नहीं है, बट उसके अंदर वॉल्यूम फिक्स है, कि अगर आपने 10 ml लिया है तो वो 10 ml ही रहेगा, चाहे आप किसी भी कंटेनर में डालो. Then second point, the space between the particle is intermediated. कि इनके particles के बीच में जो space है वो intermediate है. दिखाती हूँ मैं यहाँ पे आपको. आपने already solid की image देखी है, कि solid के molecules क्या थे, एक दूसरे से tightly packed थे, बिल्कुल भी जगह नहीं थी उनके बीच में. But ये जो particles है उनके बीच में intermediate space होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह होती है. अब इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होने की वजह से उनके बीच का जो अट्रैक्शन है, इन सारे पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन, वो भी थोड़ा सा कम है सॉलिड की कंपैरिजन में. देन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएटेड. अब इनके बीच में जगह है तो बीच बीच में इनकी मूवमेंट भी होगी, बट बहुत ही ज़्यादा ये लोग नहीं भाग सकते, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट इनके बीच में होती है. दे आर लेस कंप्रेसिबल, कि ये बहुत ही कम कंप्रेस होते, ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते, थोड़े अमाउंट में ये चीज़ें कंप्रेस होगी. एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स, और ये चीज़ें डिफ्यूज हो जाती है सॉलिड के कंपैरिजन में, ये चीजें ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है. देन आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, नाउ वी विल लर्न द प्रॉपर्टी ऑफ गैस. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस?
सो गैस हैव नो डिफाइंड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। कि अगर आप गैस की बात करो तो उसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता और उसका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ कंटेनर, कि आप उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर की पूरी जगह क्या कर लेगा, गैस ऑक्यूपाई कर लेगा। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, कि इनके बीच में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जगह क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। मैं आपको एक इमेज बता के समझाती हूँ। हियर इज अ इमेज, देर इज अ वन बलून एंड इन बलून एयर पार्टिकल्स आर और एल्स गैसेज प्रेजेंट। तो हियर यू कैन से द पार्टिकल इज टू फार फ्रॉम इच अदर, सो दे हैव अ मैक्सिमम स्पेस इन बिटवीन देम। नाउ द पार्टिकल्स आर टू फार फ्रॉम इच अदर, दैट्स वाई द फोर्स इन बिटवीन दैम इज टू लेस, और एज यू कैन से द फोर्स इन बिटवीन दैम इज टू मिनिमम। नाउ द मूवमेंट इज मैक्सिमम। अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, दैट्स वाई द प्लेस इज हाई, एंड बिकॉज ऑफ द हाई स्पेस द पार्टिकल हैव मैक्सिमम कैपेसिटी टू मूवमेंट, सो दैट्स वाई दिस पार्टिकल हैव मूव मैक्सिममली इन बिटवीन द कंटेनर। नाउ दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। अब इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा जगह है तो हम इसको जितना चाहे उतना कंप्रेस कर सकते हैं। वहाँ तक हम इनको कंप्रेस कर पाएंगे जब तक ये एक दूसरे के बिल्कुल एकदम नज़दीक नहीं आ जाते। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफ्यूजन रेट, देन द डिफ्यूजन रेट इज टू हाई टू कंपेयर सॉलिड एंड लिक्विड, की सॉलिड और लिक्विड की कंपेरिजन में इनका डिफ्यूजन रेट बहुत ही ज़्यादा होगा। सो ये थी गैस की। यहाँ पे हमने इमेज के फॉर्म में पढ़ा है कि अब हम कंपेयर करते हैं इन सारी चीज़ों को। ये नीचे है सॉलिड, कि जिनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है। यहाँ पे है लिक्विड, कि उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है। एंड सबसे ऊपर गैस, कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी जगह है। अब यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इनके बीच में फोर्स ज़्यादा होगा और इन चीज़ों को हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह है, दैट मीन्स सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड में अट्रैक्शन कम होगा, उस चीज़ों को हम कंप्रेस कर पाएंगे। और अगर लास्ट में हम गैस की बात करें तो इनके बीच में जगह भी ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको कंप्रेस भी ज़्यादा कर पाएंगे और इनके बीच में फोर्स भी बहुत कम होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से दूर दूर है और इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर पाएगी। देन हियर अगेन अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। देन तो ये हो गया आपका मैटर ऑफ स्टेट। हियर आवर पार्ट टू वीडियो इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट नोट डाउन योर डाउट और एल्स थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।